हेलो जी, सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आपके बीच फिर हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, मैं आज एक जानसठ के गांव में आया हूँ, कमेड़ा में, और यहाँ मदन पाल जी रहते हैं, गुरु रविदास महाराज जी की सेवा करते हैं। उनकी भक्ति भाव है, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, आस्था है। उनके प्रयास से उन्होंने ये थोड़ा जगह लिया था और इसमें इन्होंने एक छोटा सा ये महाराज का दरबार लगाया हुआ है। गुरु रविदास जी के स्वरूप आप देख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 बाई 5 का ये होगा दीवार, बाउंड्री वाल। तो ये ज़मीन है इनका, तो इनका कहना है, इनके अपील पर मैं के आया हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ी अपील करनी है, वो इस मंदिर में थोड़ा सहयोग चाहते हैं आप सभी समाज के लोगों से। तो वो इसलिए कि ये थोड़ी इस जगह पर दूसरे लोगों का भी वो है गंदी नज़र, तो वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ कुछ हो। तो उनका कहना है कि ये अगर मंदिर थोड़ा बन जाएगा और इसका बाउंड्री हो जाएगा तो थोड़ा हमारे समाज का वहाँ एक आश्रय हो जाएगा कि वहाँ आकर के कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कर लें। बारिश में जैसे मिट्टी कट रही है, थोड़ा नींव नहीं है, इधर की तरफ भर जाए, तो 4-4, 5-5 फीट का बाउंड्री वाल हो जाए, एक अच्छा सा महाराज जी का कक्ष बन जाए, 10 बाई 10 का कोई कमरा टाइप में गुरु जी के मंदिर का। तो थोड़ा यहाँ खर्चे का काम है अभी, हम आपको पता ही है गांव में हमारे गरीब समाज लोग रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। उन्होंने ज्यों त्यों करके तो ये ज़मीन लिया था, अभी इसमें थोड़ा विकास की ज़रूरत है, इसकी बाउंड्री वगैरह हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। इधर जानवर वगैरह, कुत्ते लोग अपने वाहन वगैरह नहीं खड़ा करेंगे, एक गेट सा लग जाएगा तो बाउंड्री हो जाए, थोड़ा सा उसका साफ सफाई सौंदर्यकरण, मतलब एक मंदिर नुमा बन जाए। तो ये मैं इसीलिए यहाँ आया था, ये ज़िला मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानसठ गांव का गांव है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं और उनसे मिलवाना भी चाहूंगा, बात कराऊंगा। हाँ जी, सभी को सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज मैं ये जानसठ तहसील का गांव है कमेड़ा, उसमें आया हूं श्री मदन पाल जी, और ये गुरु रविदास महाराज जी के नाम से एक समिति चलाते हैं, और इन्होंने अपने प्रयास से गुरु रविदास महाराज जी का थोड़ा यहाँ गाँव में, क्योंकि गुरु जी का मंदिर यहाँ इनकी तरफ नहीं था, तो 18-20 इनके घर हैं, इन्होंने थोड़ा उसमें थोड़ा ज़मीन लिया है और उसके विकास के लिए 4 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और गुरु रविदास महाराज जी का नाम यहाँ चले, उनका बढ़िया सा एक भवन हो, उसके लिए इन्होंने प्रयत्नशील हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी के मंदिर में जो है उसका निर्माण हो। तो वो क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक चीज़ें होती हैं, गुरु महाराज जी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब सामाजिक सहयोग से ही बनते हैं। तो हम जानते हैं थोड़ा मदन पाल जी से, इन्होंने कितना प्रयास किया है। हाँ जी मदन पाल जी, सतनाम। क्या नाम? आपने यहाँ ज़मीन हमें दिखाया है, थोड़ा आपका ज़मीन है, कुछ बाउंड्री वगैरह हो रहा है, कुछ बारिश के कारण मिट्टी विट्टी भी बह गई है, तो उसके प्रबंध के लिए क्या आपने किया है? हमने कुछ नहीं किया जी, अभी हमारा अभी झगड़ा है काम, हमें चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी धनवान नहीं है, धन पास नहीं है। कितने घर हैं अपने, मतलब यहाँ लोगों के? 14-15 घर सारे हैं जी। अच्छा, तो आप लोगों ने हिम्मत करके ये थोड़ा जी ज़मीन खरीदा था, कितना समय हो गया इसको? इसे 4 साल हो गए जी। अच्छा जी, 4 साल हो गए। तो ये मूर्ति तभी टेकी थी आपने गुरु जी के, छोटा सा सब जी जी, ये छोटा सा बना करके जी, जी थी छाया सा करके जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ जी? जगह कुछ इसमें हो जा हमारा। अच्छा अच्छा, इसकी बाउंड्री वगैरह हो जा, कोई भवन बन जा, ये चाह रहे जी हम। अच्छा, भवन बन जा, बाउंड्री हो जा, बाउंड्री, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तो होगी नहीं लोगों की यहाँ। क्या मजदूरी रैंक के लोग हैं, किसान है, क्या है? सर मजदूर है जी। अच्छा, बेचारे 4-4, 5-5 रुपये मजदूर लगा करके अभी क्या बच्चों का। तो आप चाहोगे एक गुरु जी का एक अच्छा सा मंदिर बन जाए जी, जी जी, और बाउंड्री वाल वगैरह हो जाए जी, तो ताकि लोग यहाँ अपना कोई भी पूर्णिमा हो, प्रोग्राम, सत्संग कुछ भी हो जी, जो आगे अपना बेचारे। तो ये जो गांव है आप समाज अच्छा के, इधर के लोगों को, महिलाओं को पूजने उजने में गुरु महाराज जी उधर? अच्छा, पार करके जहाँ दूर जमाना जा रहा। तो आपका प्रयास है कि भाई यहाँ बाउंड्री हो जाए, बाउंड्री हो जाए जी। तो मदन पाल जी, आप जो हैं यहाँ, मन में कैसे विचार आया आपके कि हमें यहाँ मंदिर होने? महाराज संत सर्वमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं, इनकी बहुत अच्छी तरह से लगन है, बहुत दिल में उमंग आती है, हमारी माता बहनें बेटे उधर जाती है जी। मैं चाह रहा हूँ मेरे महल में हो जा। अच्छा अच्छा, जिससे कि दो घड़ी अपना नाम ले ले, कुलगुरु हुए हमारे जी जी जी। मुझे बहुत लगन है जी। अच्छा, गुरु महाराज जी में जैसे मान लिया रविदास जी, इसीलिए आपने बीड़ा उठाया था और लोग भी थे आपके साथ? मैंने उठाया था जी बीड़ा, मुझे बहुत लगन है जी।
कि गुरु जी का हमारे यहाँ कोई अच्छा रथ तो आपने जमीन के लिए भी काफी प्रयास किया, बहुत प्रयास करा जी, तब जाके ये थोड़ी जमीन मिली जो भी जाना कैसे कैसे करके लीजिए। अच्छा, पैसा वैसा इकट्ठा अपने घर से अच्छा अच्छा। अब इसमें वो कुछ जो काम करा हमने आप देख लीजिए, मिट्टी टिट्टी वो कट गई, इतना पैसा नहीं हमारे पास। अभी हम होम डन है, ये मस्जिद में भी बनाते हैं, हम अपने गुरु जी के कुल गुरु है हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आपकी यही प्रयास है जी, ये मेरा आसन बन गया। आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप इतना प्रयास करें। देखिए भाई, गुरु जी के लिए ये जो प्रयास कर रहे, तो मदन पाल जी का प्रयास है कि भाई गुरु जी का यहाँ एक अच्छा सा मंदिर बन जाए और एक भवन बन जाए, बाउंड्री वगैरह हो जाए, ताकि कुत्ते बिल्ली वहाँ जाके टट्टी पोटी ना करें, गंदगी ना फैलाएं। तो और भाई अच्छी बात है कि ये सोच जो है, नहीं तो लोग तो अपने काम धंधों में लगे रहे हैं, गुरु के बारे में तो कोई कोई सोचता है। तो मेरा भी भाई आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ ज़रूर सहयोग करें। कमेड़ा जानसठ तहसील में गाँव पड़ता है और थोड़ी आबादी है हमारे लोगों की, यहाँ गरीब समाज है, सब मजदूरी रैंक के लोग हैं। तो इनकी हिम्मत को सलाम है, इन्होंने फिर भी इस ज़मीन को जों तों करके लिया और इसमें थोड़ा काम कराया, लेकिन कुछ मिट्टी कट रही है नींव ना होने के कारण, भराव ना होने के कारण। और हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा सा यहाँ मंदिर बन जाए और इसकी बाउंड्री वाल हो जाए। सभी को सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो मेरा वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस गांव के लिए, इस मंदिर के लिए और मदन पाल जी के प्रयास के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें, कुछ धन से सेवा करें। मैं इस पर अपना नंबर डाल देता हूँ और आर्थिक सहयोग के लिए, धन के लिए आप इस नंबर पर कुछ भी सहयोग डालें तो वो गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जाकर आपकी सेवा लगेगी, आपका अच्छा होगा।